हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसको अलग कलर से कैसे हाईलाइट करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस डेटा में प्रॉफिट एंड लॉस दो चीजें दी हुई हैं। जो लॉस है उसके सामने यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो माइनस में है। अब हम ये चाहते हैं कि जो लॉस वैल्यू है वो रेड कलर में आए, ठीक है, मतलब अलग से हाईलाइट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये रेंज हमने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर ली, ठीक। उसके बाद बीच में कहीं पर भी कर्सर ले जाकर के राइट क्लिक कर दीजिए और यहां से देखिए फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमको जाना है नंबर पे, ठीक है, मतलब सबसे पहले ये सिलेक्ट होना चाहिए नंबर, उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके के फॉर्मेट हैं, तो रेड वाला जो फॉर्मेट नेगेटिव में है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू लॉस में है वो सारी हाईलाइट हो गई रेड कलर से।